मोदी नगर विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी प्रत्याशी मंजू सिवाच है हमारे साथ। क्या आप लोग कह रही हैं इस बार जनता के बीच में? देखिए, जनता के बीच में यही कह रहे हैं कि आप लॉ एंड ऑर्डर देखिए, पहले लड़कियों के दुपट्टे यूं ही छीन लिए जाते थे, लड़के जब नौकरी करके वापस आते थे तो यूं ही छीना झपटी हो जाती थी, कारें कहीं से भी उठ जाती थी, महिला सब्जी खरीदती थी तो चेन छिन जाती थी। अब तो ये नहीं हो रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर है। सबसे पहले तो हमारी सरकार ने पूरे उत्तर प्रदेश वासियों को निर्भय बनाया, निर्भय होकर महिलाएं घूमती हैं, बच्चियां घूमती हैं, सबसे पहली तो ये बात है। और जो हमारी पार्टी की एक नीति है कि अंतिम छोर तक हमारी लाभकारी योजनाएं जाएं, तो चाहे राशन हो, चाहे शौचालय हैं, चाहे आयुष्मान योजना है, चाहे उज्ज्वला योजना है, चाहे बिजली के कनेक्शंस हैं, सब हमारे आखिरी छोर तक गए। और दूसरी बात, आप ये कहेंगे कि चलिए ये तो गरीब आदमी को दिए गए, अमीरों को क्या हुआ? मेरी मेरठ डासना रोड है, उसपे सभी चलते हैं, वो सभी के लिए लाभकारी है। जो आदरणीय योगी जी ने, मोदी जी ने टीका लगाया, सपा के साथ आरएलडी भी है, आरएलडी का बड़ा प्रभाव है, कैसे निपटेंगे आप? देखिए, ये तो एक हवा बना रहे हैं, वो अपना अपनी बात कहने के लिए, उनके पास विकास का मुद्दा नहीं है, लॉ एंड ऑर्डर। जाटों की नाराजगी की बात आती है, जाट नाराज नहीं है, जाट बिल्कुल भी नाराज, मेरे क्षेत्र के जाट। किसान आंदोलन को लेकर के खासतौर से इतने किसानों की मौत हो गई और काफी देर कर दी वापस लेने में। नहीं देखिए, ऐसी बात है, देर की बात नहीं है, कुछ किसानों के मन में भ्रम पैदा कर दिया गया था और अंत में जब आदरणीय मोदी जी ने सोचा कि भाई जब नहीं राजी है तो उसको वापस ले लेना उनकी कितनी बड़ी बात है, इससे किसान बहुत खुश है कि चाहे उन्होंने उसको जो भी समझा हो कानून को, आदरणीय मोदी जी ने वापस लिया है, इससे उनमें अच्छी एक संतोष की भावना है और भारतीय जनता पार्टी के साथ मन से जुड़े हुए हैं वो लोग। तो इस तरीके से मोदी नगर विधानसभा क्षेत्र से मंजू सिवाच खड़ी हैं, जिनके प्रचार के लिए खुद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी इस इलाके में दौरे पे हैं। रविकांत, एबीपी न्यूज, गाजियाबाद। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।